ये साफ हो गया है, इसको झाड़ू लिए हैं तो साफ हो गया है। तो चलिए इसको लगा देते हैं अपना जगह पे जहाँ पे था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बी एन एम एनएम कीर्ति कीर्ति ब्लॉग्स ब्लॉग्स पर। पर। तो दोस्तों सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग और हैप्पी धनतेरस। तो आज धनतेरस है तो सबको हमारी ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो हम लोग कर रहे हैं कि घर का साफ सफाई कर रहे हैं, और दीपावली में तो सबको पता है सबको अपना अपना घर घर सब साफ सफाई करता है। तो हम लोग भी अपना घर सब रूम सब सफाई कर रहे हैं, तो चलिए वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों फोटो सबको साफ कर लेते हैं, यह सब में गंदा लग गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे हस्बैंड ऊपर का साफ़ सफाई करना शुरू कर दिए हैं। जो फोटो सब लगा हुआ है वो सब में धूल काफ़ी जम गया था, तो वो सब साफ़ सफाई कर रहे हैं। अच्छे से पोछेंगे सब। तो ये सब में पूरा गंदा बैठ गया है, तो ये सब को साफ़ कर रहे हैं। तो ये सब में सफाई नहीं हो पा रहा अच्छा से, क्योंकि तो अंदर अंदर पूरा गंदा बैठ गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना साफ सफाई हो सकता है करेंगे। वैसे कलर उलर तो नहीं कर रहे हैं, बस जो धूल मिट्टी सब बैठा हुआ है उसी सब को साफ करेंगे। भी झाड़ दीजिए। ये सब को फूल सब को भी झाड़ देते हैं, तो ये हाँ सब को उतारना पड़ेगा। तो ये देखिए पूरा गंदा बैठ गया है, तो ये सब को साफ करेंगे, हाँ झाड़ेंगे ये सब को भी। तो चलिए हम लोग अपना साफ सफाई जारी रखते हैं। आपको झाड़ू चाहिए? तो मेरे हस्बैंड ऊपर ऊपर का करेंगे, उसके बाद हम नीचे का करेंगे। तो ये देखिए, जो मकड़ी जाल सब है वो सब हटा रहे हैं झाड़ू से। ये गुलाब का फूल पूरा गंदा हो गया है, जगह काफी गंदा हो चुका है। ये देख सकते हैं कितना सुंदर फूल है, लेकिन गंदा के वजह से थोड़ा इसका रौनक खत्म हो गया खत्म है हो गया है। तो इसको भी साफ करेंगे, तो निरमा से धोते तो और साफ हो साफ जाता। हो जाता, लेकिन उतना समय तो नहीं है, अभी मार्केट भी जाना है हम लोग को, सामान वामान भी लेना है। तो ये साफ हो गया है, इसको झाड़ू लिए हैं तो साफ हो गया है। तो चलिए इसको लगा देते हैं अपना जगह पे जहाँ पे था। तो ये लगा दिए फूल को साफ करके। तो पलंग का ऊपर सब में गंदा बैठ गया था वो सब में, तो वह सबको भी अच्छा से हम लोग साफ कर लिए हैं। तो ये अलमारी सबको भी साफ कर लेते हैं, वैसे ज़्यादा गंदा तो नहीं है, फिर भी एक बार पोंछ लेंगे ये सबको। कॉलिन खत्म हो गया है क्या? तो हाँ कॉलिन खत्म हो गया था, हाथों से ही साफ करना पड़ रहा। तो बेड सब में गंदा सब गिर गया होगा, तो सबको भी झाड़ा लेंगे बेड सबको भी। तो ये सबको साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले पूरा रूम को झाड़ू से साफ कर लेते हैं, जितना गंदा हम लोग गिराए थे वो सब गिर गया, और झाड़ भी दिए हैं बेड सबको।
तो गंदा सबको झाड़ू से निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद बेड सबको अच्छा से सजा देंगे। तो फ्रेंड्स, एक साइड तो हम झाड़ू लगा लिए, ये साइड तो इधर पलंग के नीचे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए देखिए ये लगा दे रहे हैं पलंग के नीचे। और इधर देख सकते हैं हम लोग नाश्ता के लिए हम लोग भिंगा दिए हैं चना और अलमंड बादाम, जो कि बहुत ही लाभदायक होता है। और दोस्तों वाशिंग मशीन का हम लोग यहाँ रख दिए हैं, क्योंकि बाहर में था तो चूहा एकदम काट 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 के पूरा मशीन को ख़राब कर दिया, तो इसलिए हम लोग अंदर रूम घुसा के साइड में रख दिए हैं। फाइनली पूरा रूम में झाड़ू लग चुका है और जितना गंदा था, डस्ट था, सब हम लोग निकाल दिए हैं। तो ये देखिए इतना सारा हम लोग का रूम से डस्ट निकला है, तो चलिए इसको फेंक देते हैं और थोड़ा पोछा लगाएंगे, उसके बाद रूम को सरिया देंगे। तो फ्रेंड्स, हम थक चुके थे तो मेरे हस्बैंड अब मदद करने के लिए आ गए हैं, देखिए पोछा लगाने के लिए। ये देखिए हम लोग घर में ही बनाए हैं ये पोछा को, तो इसे पोछेंगे। तो देखिए पोछा लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसको दूध लाने भेज रहे थे तो नहीं गए, तो दूध लाने हम ही को जाना पड़ेगा और ये पोछा लगाएंगे। इस तरह से तो दोस्तों मेरा सफाई करना हो गया है, पोछा अच्छा से लगा दिए हैं। और ये देखिए मेरा वाइफ भी आ गई है दूध लेके। साफ कर लिए, तो साफ कर दिए। हम भी दूध लेके आ गए। और ये देखिए दूध दूध लेके आ गई है मेरा वाइफ। चलिए इसको रख देते हैं। तो चलिए ये सब में तकिया लगाते हैं, बेड सब में। बेड को सरियाते हैं। ये कंबल सबको भी मोड़ देंगे, देख सकते हैं दो दो को कंबल। दो दो कंबल से ओढ़ते हैं। वैसे ठंडा तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग का इधर इतना ठंडा नहीं लगता है, क्योंकि फिर भी ओढ़ते हैं। हम लोग का इधर कोल्डफील्ड एरिया है तो ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है। और सब जगह में देखिएगा, जैसे ससुराल में रहते हैं वहाँ तो अभी से स्वेटर पहनना पड़ जाता है, और अभी तक देखिए हम अभी तक स्वेटर नहीं पहने हैं। हमको तो ठंडा लगता है, इसलिए हम तो ओढ़े हुए हैं। और चाहे ठंडा जितना भी दे दे, फिर भी ये देखिए पंखा वो चला के चलता ही ही सोते रहता हैं, है। वो चलता ही रहता है चाहे जितना भी ठंडा दे दे। तो इधर पूरा हम लोग सरिया चुके हैं और इधर देख सकते हैं, इधर हम लोग का इंडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दूध गर्म करना होता है पानी पीने के लिए, तो बार बार कितना बाहर जाएंगे, इसलिए यहीं पे हम लोग गर्म करते हैं। और बाहर का चूल्हा मतलब कि ये वो चढ़ा रहता है, तो इसलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध गर्म करते हैं और पानी सब पीने के लिए। तो इधर भी सारा साफ हो गया है, और ये सोफा सब भी और टेबल सब भी और इधर बेड सब भी हम लोग साफ कर दिए हैं अच्छे से ही। सरिया भी दिया सब कुछ अपना जगह पे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग रूम को अच्छे से साफ कर लिए हैं, पूरे अच्छे से सफाई किए हैं और पोछा भी अच्छा से लगा दिए हैं, सब कुछ सरिया भी दिए हैं। तो अभी हम लोग मुंह धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद नाश्ता उश्ता करेंगे, जैसे काफी थक चुके हैं काम करके। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, तो आज के लिए सभी को हैप्पी धनतेरस। धनतेरस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय।